यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास टेंथ के, क्लास ट्वेल्थ के, पहली बात तो मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ। यहाँ पे जो बेस्ट ऑफ सेमेस्टर्स या बेस्ट ऑफ टर्म की जो मांग उठ रही है उनको तो ले लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की मांग कर रहे हैं तो यहाँ पे यह होना इम्पॉसिबल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, किस बेसिस पर कह रहा हूँ, इसके बारे में भी आपको मैं भी पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप CISC के स्टूडेंट हैं या आप CBSE के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने अपनी पूरी मेहनत से सेमेस्टर टू या टर्म टू का सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में दे लिया है। अब आप लोगों का यहाँ से मामला खत्म हो गया है। अब बात आती है काउंसिल की और जो कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर उसकी, कि वह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, वह आपकी कॉपी, वह आपके बेस्ट ऑफ टर्म या सब्जेक्ट साथ क्या करना चाहते हैं। अब तो दोस्तों बेस्ट ऑफ सेमेस्टर या बेस्ट ऑफ टर्म लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक, बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बता दूँ कि जिन बच्चों का नंबर कम देखा जा रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि यह मामला जो निकल के आया है वह लगभग 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर कम आए हुए हैं सेमेस्टर वन में या तो सेमेस्टर टू में। तो यहाँ पे ये बातें काउंसिल की तरफ से भी निकली हैं कि जिस सेमेस्टर में हमने बेस्ट किया है, जिस टर्म में हमने बेस्ट किया है, हमको वही ऑप्शन चूज करना है। हम चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ सेमेस्टर लिया जाए, बेस्ट ऑफ टर्म लिया जाए, क्योंकि बेस्ट ऑफ टर्म कंसीडर करने के पीछे सबसे बड़ा कारण काउंसिल का यह है कि दोस्तों आप लोगों के जो नंबर इंटीग्रेटेड मार्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें आपके नंबर 80 अबव या 70% अबव देखे जाएंगे। लेकिन अगर बेस्ट ऑफ सेमेस्टर या बेस्ट ऑफ टर्म ना लिया गया तो यहाँ पे आपके नंबर का जो फ्लक्चुएशन है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है और आपके परसेंटेज 40-60% ही रह जाएंगे, जो कि बहुत ही खराब स्कोर होगा। तो यहाँ पे अब यह चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हो गई हैं, काउंसिल को इसके बारे में चिंता करना शुरू कर देना चाहिए और यहाँ पे बेस्ट ऑफ सेमेस्टर, बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में भी दोस्तों बात करनी चालू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर बात करें कि बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट जिस तरह से मांग उठा रहे हैं स्टूडेंट, तो बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट लेना ना के बराबर पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वाइज आपके नंबर काउंसिल का भी प्रोवाइड नहीं करता है। मैंने ऐसी कई जगह से इन्फॉर्मेशन देखी है जहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट को लेना अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं करना है, बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं लिया जाएगा, बल्कि बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट या टर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके पीछे भी कई सारे ऐसे कारण हैं दोस्तों, उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन को पूरे साल स्कूल बंद था और अचानक से ऑफलाइन मोड में, वह भी सब्जेक्टिव मोड में कराने का काउंसिल ने जब से निर्णय लिया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की मांगे चालू हो गई हैं। पहले बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल की मांगे हुई, फिर उसके बाद दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पोस्टपोन होने की बातें थी उसकी मांगे हुई, उसके बाद यहाँ पर अब आपके दोस्तों बेस्ट ऑफ टर्म या बेस्ट ऑफ सेमेस्टर्स की मांगों को चालू कर दिया गया है। लेकिन काउंसिल जब तक अपने एक्सपर्ट के साथ बैठक करके इन बारे में कोई डिसीजन नहीं लेगी, तब तक दोस्तों काउंसिल कोई भी फैसला निकालने वाली नहीं है और ना ही दोस्तों आपको स्कूल की तरफ से ऐसी कोई बातें भी पता चलने वाली हैं। जितने भी हमारे टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी बोर्ड स्कूल में कॉपी चेक करने की, उन्होंने यह बातों को बताया है कि जो सूचना हमको मिल रही हैं कि वह बेस्ट ऑफ सेमेस्टर्स को लेने की बातों को चल रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपके नंबर बेहतरीन देखे जा सकते हैं। अगर बाय द चांस काउंसिल ने बेस्ट ऑफ सेमेस्टर, बेस्ट ऑफ टर्म के बारे में न सोचा और सीधा कॉपी चेकिंग एवोल्यूशन के माध्यम से आपको नंबर प्रोवाइड करने की ठान ली, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकती है, यहाँ पे आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा ख़राब आएंगे। लेकिन काउंसिल को इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, काउंसिल इन सब चीज़ों के बारे में चिंतित है और यहाँ पे दोस्तों आपके जो 2022 के सेमेस्टर टू के सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उनके चलते यहाँ पे दोस्तों कई सारे ऐसे ऑफिशियल चेंजेस भी देखे गए हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहली बात, बेस्ट सब्जेक्ट को नहीं लिया जाएगा, इस बारे में आप मन में हटा दीजिए, मन में निकाल दीजिए। हम जानते हैं आप लोग मांग उठा रहे हैं कि बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट भी लिया जाए, लेकिन दोस्तों यह काउंसिल के पॉलिसी के खिलाफ है, इसके टर्म एंड कंडीशन के पॉलिसी के खिलाफ है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को नहीं लिया जाएगा, इसकी बात आज से ख़त्म। अब जो लोग आपको यह बात बोले भी कि बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट लेने की कोई भी ऐसी पॉलिसी काउंसिल की तरफ से निर्धारित नहीं की गई है। हाँ, बेस्ट ऑफ सेमेस्टर से टर्म्स लेने में कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में काउंसिल को फैसले लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ सेमेस्टर या बेस्ट ऑफ टर्म दोस्तों काउंसिल बहुत ही आसानी से फैसला ले सकता है। अब मैं आपको बता दूँ, जो जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो आपके एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट प्रोपोस्ट किए गए हैं दोस्तों, उनके चलते आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के इवोल्यूशन प्रोसेस को काफ़ी फास्ट अप कर दिया गया है और यहाँ पे लगभग लगभग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी को चेक कर लिया गया है।
कुछ ही परसेंट ऐसी कॉपीज बची हैं जिनमें थोड़ा बहुत एरर पाया गया था। उसके साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दी थी उसकी वजह से यहाँ पे आपके नंबर थोड़े बहुत फ्लक्चुएट हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंसिल बेस्ट एप्ट सामने जब लेगा तो उसके चलते आपके सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, प्लस प्रोजेक्ट मार्क और प्लस दोस्तों जिस सब्जेक्ट में, जिस सेमेस्टर में आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है उस सेमेस्टर का आपको नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे आपका परसेंटेज 80-90% अबव चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, जो नंबर गिविंग प्रोसेस चला रही है CISC हो चाहे CBSE हो, दोस्तों जो नंबर गिविंग कमेटी है वह इस प्रकार से नंबर को इस बार डिफाइन करी है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी कॉपी की चेकिंग प्लस आपके इंटरनल असेसमेंट प्लस दोस्तों जो स्कूल बोर्ड में जो एग्जामिनर्स कॉपी चेक करते हैं इस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि जो दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में जो रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वह काउंसिल ही निर्धारित करता है, लेकिन उसका जो पालन है, उसका जो ओबे है, वह स्कूल बोर्ड की तरफ से किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपके नंबर कम आए होंगे, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया अगर आपके नंबर मैथमेटिक्स में कम आए हैं या आपके नंबर केमिस्ट्री में कम आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आफ्टर आपके रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। जी हाँ, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आपको काउंसिल की तरफ से मौका मिलेगा कि आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और अगर आपको यह लगता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका किसी कॉपी में नंबर कम आए हैं या आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है उसके बाद भी आपके नंबर काफ़ी कम आए हैं तो यहाँ पे आप कॉपी चेक के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, यानी कि आप कॉपी रीचेक के लिए भी कॉपी को अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ दोस्तों प्रोसीजर है, कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको समय आने पे बता दूंगा। अब मैं आपको बता दूं, स्कूल बोर्ड के जो आपके हेड हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके कंसिडरेशन पे आपके जितने भी स्कूल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे क्लास टेंथ के हों चाहे क्लास ट्वेल्थ के हों, उनके कंसिडरेशन पे ही आपके स्कूल बोर्ड से जो रिपोर्ट जाएगी उसके बेसिक पे आपको नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो बच्चों को टेंशन हो रही है, जिन बच्चों को टेंशन हो रही है कि हमारा नंबर ख़राब आएगा या हम फेल कर जाएंगे, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के चांसेस होने के बहुत कम इरादे हैं। क्योंकि आपके सेमेस्टर वन प्लस सेमेस्टर टू प्लस इंटरनल असेसमेंट के नंबर को जब काउंट किया जाएगा तो दोस्तों आप पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया तक पार कर ही जाएंगे। चाहे जितनी भी आपने ख़राब कंडीशन में कॉपी को चेक किया हो या आपने चाहे जितना भी ख़राब सिचुएशन में बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने अपियर हुए हों, यहाँ पे आप पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया को पार कर जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से पूरा प्रोसीजर बनाया गया था उसी हिसाब से बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है और सेम उसी प्रोसेस में आपको नंबर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के चलते आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको टेंशन फ्री रहने की ज़रूरत है। जो काउंसिल कमेटी के जो दोस्तों हेड हैं वो जब इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपके वेटेज को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके सेमेस्टर टू या सेमेस्टर वन में बेस्ट आप टर्म लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से CBSE के स्टूडेंट्स लगातार मांग उठा रहे हैं कि बेस्ट आप टर्म लेने की जो संभावनाएं हैं वह बढ़ गई हैं। और यहाँ पे CBSE की तरफ से एक गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि आपके बेस्ट आप इधर टर्म लेने के जो संकेत हैं वह मिल चुके हैं। क्योंकि जो आपके CBSE के हेड हैं उन्होंने इन बात को इनडायरेक्टली रूप से बोल दिया है कि आपके सेमेस्टर टू यानी कि टर्म टू के वेटेज को लिया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आपके बेस्ट आप टर्म को भी लेने की बातें सामने आ रही हैं।